बबन जी से बात हो रही है क्या मेरी? जी जी नमस्कार। बबन जी, आपके नेता को लगातार गिरफ्तार करके लोग ले गए हैं, तब से उनकी तबीयत काफी चिंताजनक बनी हुई है। फिलहाल उनकी जो एक लेटर उन्होंने जारी किया है वो वायरल हो रहा है, जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि उन्हें पटना और अन्य जगहों पर ले जाकर जबरदस्ती कोरोना पॉजिटिव कराया जा रहा है। क्या कहना चाहिएगा इस पर आप? देखिए, सरकार अपना फैसला जो है बार बार बदल रही है जी। पहले पटना में अरेस्ट किया गया, फिर मधेपुरा ले गया गया, फिर वहां से जो है उनको शुरू में ही पटना लाने की बात हुई थी कि पटना में बेहतर ढंग से डॉक्टर ने जो सलाह दिया था उसमें एम्स में या IGMS या PMCH तीन नामित किया गया था तीन अस्पतालों को, लेकिन सरकार ने अपने मनमानी ढंग से फिर उनको DMCH में भर्ती करा दिया गया। DMCH में कोई जांच की व्यवस्था सही ढंग से नहीं होने के चलते कभी मेदांता में ले जाया जाता है जांच कराने के लिए, कभी पारस में ले जाया जाता है। तो नेता जी को जो है परेशानी महसूस हो रहा है, उसमें से उन्होंने लिख करके इस बात का ये दिया। ये तो साफ तौर पर देखा जा रहा है कि मतलब उनकी तबीयत खराब है, डॉक्टर्स भी ये बात बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पहले भी आप करीब 1.5 महीना पहले उनके गोल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था, आपकी जानकारी में है ये बातें, मीडिया में भी ये बात जानकारी में है सभी लोगों को, और BP का और शुगर का पहले से उनका इलाज चलता है जी, और वजन ज्यादा होने के चलते उनको जो है पेन में हमें कमर में हमेशा दर्द वगैरह रहता है। ये चीज तो पुरानी चीज, हमेशा इसके लिए दवा वगैरह और प्रॉपर ढंग से इलाज हर एक महीने चलता था, लेकिन जो गोल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ और पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुए थे कि ये कोरोना महामारी आ गई और नेताजी उसमें कूद गए, अपने जान को हथेली पर लेकर के नेताजी कूद गए कोरोना महामारी में, और अपना ख्याल नहीं रख करके लोगों के ख्याल के लिए लगातार जो है सेवा पहुंचाने लगे, गैस दवा की व्यवस्था, लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था। इतना करने के बावजूद भी सरकार जो है, सरकार को किरकिरी हो रहा था इन बातों के लिए, जबरन गिरफ्तार किया गया। मेरा इस पर प्रतिक्रिया है कि आप पार्टी के आंख नाक कान है, जुबान है, आप प्रवक्ता है, ये बताइए हमको कि जो बाकी सभी पार्टियां बिहार की आपके समर्थन में खड़ी हैं, यहाँ तक सत्ताधारी दल के सारे पार्टियों में कोई ना कोई आपके साथ खड़ा है, वहीं हम लगातार देख रहे हैं राजद आप पर हमलावर है। इस वक्त भी आप जब खुलकर कह रहे हैं तेजस्वी यादव से के साथ आने की, तब भी वो आप पर कह रहे हैं कि राजनीति आप कर रहे हैं और आप बी टीम है फलाना की, क्या कहना चाहिए? देखिए, बिहार की जनता की जो भावना है हम उससे आपको अवगत कराना चाहते हैं। सभी राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता अभी पप्पू यादव जी के पक्ष में खड़े हैं, उनके सेवा भाव से कहीं ना कहीं प्रभावित है, और एक स्वर में चाहे वो माले पार्टी हो, चाहे और भी जो भी सामाजिक संगठन हो, कांग्रेस पार्टी हो, सभी लोगों का एक ही कहना है कि भाई इस कोरोना काल में कोई भी आदमी निकल करके बाहर नहीं आया। पप्पू यादव ने जिस डिवोशन के साथ, जिस समर्पण के साथ जनता की सेवा कर रहे थे, ऐसी परिस्थिति में उन्हें रोकना वाजिब नहीं था और गिरफ्तार करके गरीबों के एक आस को उन लोगों ने समाप्त कर दिया। जहां तक बात रही तेजस्वी यादव जी के राष्ट्रीय जनता दल की, अब अंदर में उनकी क्या प्लानिंग है और क्या सोचते हैं ये बातें उनके बारे में कहना हम यथोचित नहीं समझते हैं, लेकिन और कोई उनको अगर कोई सलाह भी अगर कुछ इस बात के संबंध देता है तो उनके लोग प्रतिक्रिया देने लगते हैं। तो हम लोग काम में विश्वास करने वाले लोग हैं और अभी भी हमारा सेवा जारी है, सब जगह भोजन पहुंचाने का, सभी प्रमुख अस्पतालों में हमारा चल रहा है। पार्टी का जाने से पहले आपको टास्क देकर गए थे, वो टास्क आप लोग निभा रहे हैं? वो काम पूरे बिहार में जारी है, आप रोज देख रहे होंगे PMCH, NMCH, एम्स और हर एक जिलों में सेवादारी जारी है। जहां भी जिसको जरूरत है पार्टी का नंबर दिया हुआ है, जो कॉल करता है मदद के लिए वहां पार्टी कार्यकर्ता पहुंच कर उसको मदद करते हैं। बबन जी, निरंतर सेवा, लगभग दिन में 2 से 3 हजार फोन तो हमारे जो चैनल के ऑफिशियल नंबर है उस पर आ जाते हैं पप्पू यादव के समर्थन में। हाँ, कुछ लोग जरूर कमेंट में ये कहते हैं कि अंगुलीमाल साधु बनने चला है, तो कुछ ना कुछ तो उसका रिटर्न मिलेगा ही गिफ्ट। लेकिन आपको क्या लगता है, देखिए यहाँ कहीं ना कहीं भाजपा का आपको टीम बना बताया जा रहा है, कोई नीतीश का टीम बता रहा है, आपको गिरफ्तार तो एनडीए सरकार ने किया है। देखिए, हमारा सीधा निशाना वर्तमान की सरकार पर है और जो भी हमारा सवाल है सत्ता से है, क्योंकि बिना सत्ता के आदेश के जो है नौकरशाह नहीं चलते हैं, जिसकी सत्ता रहती है नौकरशाह उसकी बात मानते हैं, यह बात सबको पता है जी। मेरा सीधा सवाल
सत्ता से है, बिहार में बैठे शीर्ष पर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की जो संयुक्त सरकार है उसके मुखिया से है हमारा सीधा सवाल कि आपने बेवजह पप्पू यादव को गिरफ्तार किया, पप्पू यादव को गिरफ्तार करने का कोई औचित्य नहीं था। नहीं, जो मामला भी है वो मामला तो अपने आप ऑटो रिजोल्व होता दिखता है, लेकिन बड़ी बात यहाँ ये है कि कोरोना की महामारी है और जितनी बीमारियां उनको है, अगर उनको कोरोना हो जाता है तो उनके लिए तो प्राण घातक। प्रॉपर ढंग से अगर प्रॉपर ढंग से इलाज नहीं हुआ तो और भी यह जो है उनकी बीमारी गंभीर हो सकती है। इसके लिए पार्टी पूरी चिंतित है, बिहार के आम आवाम काफी चिंतित है, गाँव में लोग दुखी है, सब लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सारे आप टीवी चैनल से लेकर के सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सभी सामाजिक संगठनों ने पार्टी और दल से ऊपर उठ करके पप्पू यादव की रिहाई मांग की है। दुख तो होता होगा ना, चला है जिसके साथ जवानी बीती, जिस लालू यादव के साथ जवानी बीती, उन्होंने तो आपको याद भी नहीं किया। आपका हाल तो शहाबुद्दीन से भी बदतर कर दिया गया। देखिए ऐसा है कि अब उनके बारे में हम कहना उचित नहीं समझते हैं, यह हम लोगों ने बिहार के जनता पर छोड़ दिया है। सामाजिक संगठन और जो सामाजिक चेतना वाले लोग हैं, खुद अपने मन से अपने अंतरात्मा से जिन लोगों को ये बात समझ में आ रही है वो लोग निश्चित रूप से प्रतिक्रिया देने का काम कर रहे हैं, और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रीय जनता दल पे हम लोगों का कोई टीका टिप्पणी नहीं है। नहीं, मतलब माझी मलाह ये लोग आपके साथ आए हैं, इन लोगों के प्रति है कुछ कहना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे लोग? बिल्कुल, देखिए जो भी राजनीतिक लोग आ रहे हैं, हाँ मजबूती से, काफी मजबूती से आज लेफ्ट के लोगों ने पूरे बिहार में प्रतिरोध जताने का काम किया है पूरे बिहार में, और लेफ्ट ही नहीं पूरे सामाजिक संगठन, बहुत सारे छोटे छोटे संगठन है जो आगे आकर के, और पप्पू यादव रिलीज, पप्पू यादव इस तरह का हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर और सभी जगह जो है। आज शाम 5 बजे से ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, हैज रिलीज हैज करके ये हुआ है, ट्विटर पर सब लोग दे रहे हैं, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री जी को, सब जगह लिखा जा रहा है, पूरे गांव-गांव में छोटे बच्चे से लेकर के इस बात से सभी लोग दुखित हैं। और पप्पू यादव की रिहाई अगर नहीं हुई, सभी लोग कह रहे हैं यार कि कोई कह रहा है भाजपा ने गिरफ्तार करा है, कोई कह रहा है नीतीश कुमार गिरफ्तार करा है, आपको क्या लगता है किसने गिरफ्तार करा है? मेरा सीधा सवाल भाजपा और जनता दल यूनाइटेड से है, और सरकार के बिना आदेश के कुछ नहीं हो सकता, आप भी ये बात समझ रहे हैं जी। मतलब सीधे तौर पर आप भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी और सरकार की जो मुखिया हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, उनके बिना आदेश का सोशल मीडिया पर एक पोस्ट उनका वायरल हो रहा था, वो कह रहे थे कि दो लोगों की मदद करके सेल्फी ले देता है, उसको हीरो बना देते हैं, जो पूरे बिहार का 16 साल से ख्याल रख रहा है उसको तो लोग गाली ही दे रहे हैं। देखिए दो लोगों को मदद नहीं, आप बाढ़ के समय में भी थे और मैं भी था और आप लोग भी थे, सारे लोग, हम लोगों ने जो 20 दिन कपड़ा नहीं बदले थे, सब इतना ही समझ लीजिए, सबका जो शरीर का जो अगला चमड़ा का हिस्सा होता है सब लोगों का जो है काला पड़ गया था, और पानी में डुबो डुबो के गर्दन तक हम लोग जाते थे आदरणीय पप्पू यादव जी के नेतृत्व में, और सभी कार्यकर्ता जाते थे, और उसको भी ये लोग अगर राजनीति कह रहे हैं तो फिर राजनीति की परिभाषा उनको ही, नीतीश कुमार जी को ही परिभाषित करनी होगी कि सेवा की क्या परिभाषा है और राजनीति की क्या परिभाषा है। बबन जी आपको शायद याद होगा, अंतिम सवाल है मेरा, जिस वक्त आप पप्पू जी के साथ थे और उस जेसीबी पे बैठे हुए थे, मैं भी वहीं आपके बगल में बैठा था, मैंने आपसे कहा था कि लगता है राजनीति में आपके नेताजी बहुत कमजोर है, समाज सेवा तो करते हैं लेकिन राजनीति नहीं आती है, फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, राजनीति में कच्चे हैं आपके नेता, क्या लगता है? देखिए हमारी पार्टी और नेताजी का शुरू से एक सेवा का भाव रहा है, राजनीति से प्रेरित होकर के या कोई प्लानिंग करके कि इसका हमको राजनीतिक लाभ होगा या राजनीतिक हानि होगा, इस तरह से सेवा नहीं किया जा सकता है। आप किसी को पिक एंड चूज नहीं कर सकते हैं, किसी जाति धर्म के लोग जो पीड़ित है उसके लिए जाति धर्म का कोई मतलब नहीं है, उसको तुरंत रिलीफ चाहिए, उसको किसी पार्टी से मतलब नहीं है कि कौन आदमी हमको आगे पार्टी मदद कर रहा है, उसको तत्काल रिलीफ चाहिए जिससे उसका मदद हो सके, उसका दुख दर्द कम हो सके, उस समय कोई आदमी पार्टी नहीं पूछता है। व्यक्तिगत तौर पर तो मैंने भी कई राजद के समर्थकों को पप्पू यादव जी का नंबर दिया है रेमडेसिविर ऑक्सीजन के लिए, कई लोगों ने बधाई भी दी है कि धन्यवाद मुझे मेरा काम हो गया, लेकिन एक बात है, यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, मदद तो आप करते हैं, वोट आपको मिलेगा, यादवों में थोड़ी बहुत भी टूट कर पाइएगा आप, क्योंकि सारे यादव कहे जाते हैं कि लालू यादव को ही वोट करेंगे। देखिए जो भी पीड़ित लोग हैं, जो भी सामाजिक लोग हैं, जो सफरर हैं,
सारा आज पप्पू यादव के पीछे है और सब लोग का एक ही आवाज है कि पप्पू यादव के साथ जो है सरकार ने गलत किया है और सरकार के प्रति गांवों में, गरीबों में, दलितों में, मुस्लिमों में जो एक आवाज उठी है आज पूरे बिहार में, पूरे जिस दिन से गिरफ्तारी पप्पू यादव को हुई है उस दिन से आप सारा मीडिया चैनल से उठा करके आप देख लीजिए सोशल मीडिया पे, सुबह से शाम तक सभी सामाजिक चेतना वाले लोगों ने मजबूती से सरकार का विरोध करने का काम किया है और नीतीश कुमार से इस बात का आग्रह किया है आप पप्पू यादव को अविलंब रिहा करें। बहुत बहुत धन्यवाद बमन जी बात करने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।